नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज, आप देख रहे हैं पंकज एरुटेक। दोस्तों, आरआरबी रेलवे एनटीपीसी में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि एक बार वाला क्वेश्चन है उसको भिन्न में बदलने के लिए। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, सारे शिफ्ट में जितने भी शिफ्ट हुए हैं सभी शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन उससे आ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं उससे बात करूँगा जो आपका जो है, अगर वीडियो देखोगे बिल्कुल आपका एक नंबर या दो नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। अभी मैं बिल्कुल फिलहाल इसी पर कोई सीरीज बनाने वाला हूँ, लगातार 10-15 वीडियो जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला सवाल यहाँ पे है, फर्स्ट क्वेश्चन है 0.33333 समथिंग, ठीक है, जो बार बार जो है आवर्ती हो रही संख्या की। तो दोस्तों, यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 0.33 को लगा सकते हैं बार। जब भी कोई संख्या बार बार इसकी आवर्ती होती है तो यहाँ पे हम बार से इसको डिनोट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम कोई ट्रिक नहीं सीखेंगे, अभी यहाँ पे कोई नियम से नहीं लगाएंगे इसको, क्योंकि हमें बिल्कुल दो नंबर गेन करना है एग्जाम में। तो बिल्कुल आपको मैं ट्रिक बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक, आपको कैसे कैसे हल करना है। बाकी मैं इस पर बिल्कुल फ्री वीडियो बना दूंगा, कंप्लीट वीडियो, कैसे कैसे आपको इसको हल करना है। अभी सिर्फ एग्जाम के दृष्टि से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे कैसे करना है, यहाँ पे बराबर कर देंगे, आपको भूल जाना है यहाँ पे दशमलव लगा है, क्या लगा हुआ है, आपको सिर्फ यहाँ पे 3 लिख देना है। ठीक है, 3 लिख देना है ऐसे। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे ये देखना है इसके बट्टे में जितने संख्या पे बार लगा हुआ है वो संख्या यहाँ पे उतने बार 9 लिख देना है। चलो यहाँ पे एक बार 9 लिख देते हैं, क्योंकि एक ही संख्या पे बार लगा हुआ है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे माइनस करते हैं। ठीक है, तो माइनस यहाँ पे कोई संख्या है नहीं दशमलव के बाद जिस पे बार ना लगा हुआ हो, तो यहाँ पे माइनस 0 यानी 0 ही होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका मान इतना ही आएगा, और जिस पे बार जिस दशमलव के बाद दोस्तों जितने संख्या होते हैं ना जिस पे बार नहीं लगे होते हैं उतने 0 यहाँ पे नीचे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे इसका मान 3/9 हो जाएगा, यानी 3 × 9 1/3, 3 × 3 3 × 9। तो दोस्तों, ये 1/3 इसका ये फाइनल आंसर है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट सवाल है 1.3333, इसको भिन्न में बदलना है। अब दोस्तों, भिन्न बदलने के लिए हमें पता है कि यहाँ पे 3 की जो है आवर्ती बार बार हो रही है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1.3 के ऊपर बार लगा देंगे, बराबर यहाँ पे 13 लिख देंगे। यहाँ पे भूल जाएंगे यहाँ पे क्या दशमलव लगा हुआ है, क्योंकि हमें शॉर्टकट ट्रिक अपनाना है। इसको दोस्तों, यहाँ पे 13 हो जाएगा, यहाँ पे 9 लिख देना है, क्योंकि यहाँ पे 3 के ऊपर बार लगा हुआ है, एक ही संख्या है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है। अगर दो संख्या के ऊपर बार लगा होता तो यहाँ पे 2 × 9 लिखते। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे एक इसमें जो है एक घटा देंगे जिस पे बार नहीं लगा हुआ है। ठीक है, एक ऐसी संख्या है जिस पे बार नहीं लगा हुआ है, तो एक हम इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे। तो दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 12/9, 3 × 12 3 × 9। ठीक है, तो इस तरह से 4/3 जो है इसका मान आ गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बताते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 0.45, ठीक है, 45 यहाँ पे बार लगा हुआ है, 4-5 पे बोल रहा है इसको भिन्न में बदलिए। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या करेंगे, सीधे हम लिख देंगे 0.45 बार है इक्वल टू यहाँ पे लिख देंगे सीधे 4-5। ठीक है, 45। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे दो संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, तो यहाँ पे 2 × 9 लिख देंगे। ठीक है, 2 × 9 हो गया। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, तो ये 45/99 ही हो जाएगा, जो कि इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड, 2.12 को भिन्न में बदलो। ठीक है, 2.12 जो है बार में है, इसको क्या करना है, भिन्न में बदलना है, भिन्न में बदलो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे कर सकते हैं, देखिए दो संख्या यहाँ पे हैं जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2.12। ठीक है, 2.12 इक्वल टू यहाँ पे सब लिख सकते हैं 212 डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें -2 घटाएंगे। ठीक है, क्योंकि यही एक संख्या है जिस पे बार नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इसमें घटा देंगे। और दोस्तों, कितनी संख्याएं जिस पे बार लगा हुआ है, तो 2 संख्याएं हैं, तो 2 × 9 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों फाइनली आंसर आ जाएगा 210/99। ठीक है, और इसको अगर चाहें तो आप इसको ईजी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों आप इसको हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.23। ठीक है, और यहाँ पे जो है बार लगा हुआ है 3 पे, लिखा कह रहा है को भिन्न में बदलिए, को भिन्न में बदलिए। सो
सो फ्रेंड्स, आपको पता है यहाँ पे बार सिर्फ एक ही संख्या पे लगा हुआ है, बाकी संख्या पे बार नहीं लगा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे हमने बताया था 3.23 आपको सिंपल लिखना है, यहाँ पर ये बार लगा हुआ है इक्वल टू क्या कितना कर देंगे हमको यहाँ पे डायरेक्टली वही संख्या लिख देना है 323, ठीक है, दशमलव दशमलव सब हटा करके। इसको फ्रेंड्स आप देख लोगे यहाँ पर दशमलव के बाद कितनी संख्या है जिस पे बार, सॉरी दशमलव के बाद कितनी संख्या है जिस पे बार नहीं लगा हुआ है, एक संख्या है, दो है ना, जिस पे बार नहीं लगा हुआ है। और सो दोस्तों यहाँ पे एक संख्या है जिस पे बार लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम एक बार 9 लिख देंगे। और कितनी संख्या है जिस पे बार नहीं लगा हुआ है, तो एक संख्या है 2, तो दोस्तों यहाँ पे 10 बढ़ा देंगे। आपको ध्यान देना है यहाँ पर दशमलव के बाद जो संख्या होगी जिस पे बार नहीं लगा होता है उतने 0 आप यहाँ पे बढ़ा दोगे, और जिस पे बार लगा होता है उतने बार 9 लिख दोगे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे घटाना होता है तो आप इसको घटा दोगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे कितनी संख्या है जिस पे बार नहीं लगा हुआ, इसको क्या करते हैं घटा भी देते हैं। चलो हम इसे घटा देते हैं, 32 है, इसे बार नहीं लगा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे घटाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आप देख लो ये कितना जाएगा, 3 में से 2 गया 1, 2 इतना गया दोस्तों 3 जाएगा, यहाँ पर टोटल जाएगा 291/90, ठीक है, आप कर लेना इसको कैलकुलेट। तो ये आ रहा है, तो दोस्तों आप इस तरह से जो है ये कैलकुलेट कर सकते हो। और दोस्तों ये बिल्कुल रिपीटेटिव क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ ही रहे हैं, दो नंबर बिल्कुल फिक्स हैं।